द्वितीय पुरस्कार सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक श्री गिरीश चंद्र जोशी। तृतीय पुरस्कार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली पुरस्कार ग्रहण करेंगे कुल सचिव श्री आर के मित्रा। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार कंडला पोर्ट ट्रस्ट गांधीधाम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष डॉ पी डी वाघले। द्वितीय पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास नवी मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष श्री एल राधाकृष्णन। तृतीय पुरस्कार भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान नवी मुंबई पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक व राजभाषा अधिकारी डॉ अश्विनी कुमार सिन्हा। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक डॉ बीरा शरद चंद्र। द्वितीय पुरस्कार केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु पुरस्कार ग्रहण करेंगे महानिदेशक श्री एन मुरुगेशन। तृतीय पुरस्कार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोचीन पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक डॉ जी सैदा राव। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों व वित्तीय संस्थानों को वर्ष 2010 और 11 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यपालक निदेशक श्री एस के जैन। द्वितीय पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी सरकार। तृतीय पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के आर कामत। प्रोत्साहन पुरस्कार इलाहाबाद बैंक पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यपालक निदेशक श्री अरुण तिवारी। प्रोत्साहन पुरस्कार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस एल बंसल। प्रोत्साहन पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी टंगसाले। वर्ष 2011 और 12 में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए गृह पत्रिका पुरस्कार क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की गृह पत्रिका इस्पात भाषा भारती पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक कार्मिक श्री एच एस पति। द्वितीय पुरस्कार एनटीपीसी लिमिटेड नई दिल्ली की गृह पत्रिका विद्युत स्वर पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अरुण रॉय चौधरी। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई की गृह पत्रिका राष्ट्रीय बैंक सृजना पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष डॉ प्रकाश बख्शी। द्वितीय पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई की गृह पत्रिका अक्षयम पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम डी मल्या। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की गृह पत्रिका सुगंध पुरस्कार ग्रहण करेंगे निदेशक कार्मिक श्री वाई आर रेड्डी। द्वितीय पुरस्कार महाप्रबंधक का कार्यालय दक्षिण रेलवे चेन्नई की गृह पत्रिका दक्षिण ध्वनि पुरस्कार ग्रहण करेंगे महाप्रबंधक श्री ए के मित्तल। और अब क ख और ग क्षेत्र में स्थित प्रथम स्थान पर आने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। क क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पानीपत कार्यालय
पुरस्कार ग्रहण करेंगे अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक श्री संजीव सिंह। ख क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चंडीगढ़ बैंक, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री विनय कुमार। ग क्षेत्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भद्रावती शिमोगा कार्यालय, पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यपालक निदेशक श्री एस एस वर्मा। अब इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये और प्रोत्साहन पुरस्कार 10,000 रुपये का है। प्रथम पुरस्कार वैश्वीकरण और भारतीय खाद्य सुरक्षा, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक सर्वश्री पी एस ब्रह्मानंद। 100वीं घोष, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, और बी एस परसवाल। द्वितीय पुरस्कार ब्रह्मांड और टेलीस्कोप, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक सर्वश्री कालीशंकर। एवं टी एन उपाध्याय, तृतीय पुरस्कार वित्तीय समावेशन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक श्री सुबह सिंह यादव। और श्री राजकुमार मीणा। प्रोत्साहन पुरस्कार लोक जीवन के कलात्मक आयाम, पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर कालूराम परिहार।